तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, अगर आपके सैन एंड्रियास गेम के अंदर माउस वर्क नहीं कर रहा है तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टेकमैन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फाइल की जरूरत होगी। उस फाइल की डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देना है। ये लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इसके बाद ये टाइमर जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आपके सामने ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस फाइल को ओपन फोल्डर पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसी ये फाइल आ जाएगी। इसके बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये DLL फाइल आ चुकी है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कॉपी किया और इसके बाद आपको अपने GTA San Andreas के फोल्डर पर जाना है। तो यहाँ पर मैं GTA San Andreas के फोल्डर पर आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं गाइस। इसके बाद आपको इसी फोल्डर के अंदर फाइल को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल जो है पेस्ट हो चुकी है। इसके बाद गाइज, आपके GTA San Andreas में जो माउस वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।